काफी भव्य रूप से जो है सजाया गया है श्री राधा जी, श्री श्याम देवाय नमः। फोटो आपको 50 रुपए से यहाँ पे मिल जाएगी। पंचमेवा कितने का? 100 रुपए का। जय श्री श्याम भक्तों, अभी हम आपको खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन कराने के लिए राजस्थान में लेकर आ गए हैं। खाटू श्याम जी का दरबार जो है फूलों से भव्य रूप से सजा दिया गया है, पूरे फूलों से सजा दिया गया, काफी जो है सुंदर दृश्य हम आपको इस वीडियो में कवर करेंगे, दिखाएंगे। और अगर आप यहाँ पे दिल्ली से आना चाहते हैं तो रिंगस जंक्शन तक आपको आना पड़ेगा, फिर वहाँ से यहाँ तक का जो किराया होने वाला है वो कितना होने वाला है, और अंदर जो है धर्मशाला अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो कितने में ले सकते हैं, सारी जानकारी देंगे। भव्य रूप से सजा दिया गया है, और जैसे कि आपको पता ही है 2024 में फागुन मेला जो है यहाँ पर लगता है, और इसी के तहत यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है श्रद्धालु अपने दर्शन करने के लिए आते हैं, मनोकामनाएं लेके आते हैं, और उनकी मनोकामनाएं पूरी ही हो जाती हैं। और अंदर जो है आप दर्शन करेंगे आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। इस वीडियो में आप घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं, तो चलो फिर फटाफट से अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी जर्नी जो है दिल्ली के एंड से शुरू हो रही है, और दिल्ली के एंड से आपको यहाँ पर सैनिक एक्सप्रेस मिल जाएगी। सारे की सारे की जय। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी जो है जयकारे लग चुके हैं और हमारी जो यात्रा है शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अभी हम आ गए अपने स्टेशन पे, और रिंगस जंक्शन पे इतना भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा, देख रहे हो ना आप कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है रिंगस जंक्शन पे। तो फाइनली हम रिंगस जंक्शन पे आ चुके हैं, देख सकते हो आप। रात को 12:07 की ट्रेन होती है और सुबह आपको ये 7 बजे तक उतार देती है रिंगस जंक्शन से। अब यहाँ से हम जाएंगे, रिक्शा पकड़ेंगे सीधा खाटू श्याम जी। 17 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और अभी हम इसमें बैठेंगे कार में जो कि 50 रुपये किराया होता है, और सीधा उतरेंगे खाटू श्याम जी। और अभी चल रहे हैं और दर्शन कराएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फागुन का महीना जो है शुरू हो गया और काफी आनंद आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है डांस चल रहा है, तोरण द्वार में खड़े हुए हम, तोरण द्वार है सामने, और यहाँ पर जो है नृत्य चल रहा है। देख रहे हैं ना, तोरण द्वार पे हम खड़े हुए हैं, पीछे आप देख सकते हैं तोरण द्वार, और यहाँ पर जो है काफी मजा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, काफी आनंद आ रहा है। अभी अंदर लेके जाएंगे, खाटू श्याम जी के दर्शन भी आपको कराएंगे। तो यहाँ से जो है मेनली हमारी सीरीज चालू होने वाली है, और पूरा टूर दिखाएंगे, क्या अरेंजमेंट करी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं। ₹80 में आप फोटो करवा सकते हो, इस तरह से तोरण द्वार के सामने ही आपको इस तरह से जो सुविधा मिल जाएगी। भाई क्या क्या प्रसाद है आपके पास? ये सारे पंचमेवा है। अच्छा, पंचमेवा कितने का? 100 रुपए का। दोस्तों, पंचमेवा, ये पंचमेवा है ये वाला, ये देखो, ये पंचमेवा जो है आपको यहाँ पे 100 रुपए का मिल जाएगा, जो की आप प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। ये क्या? चूरमा। चूरमा कितने का? 50 रुपए का। 50 रुपए का आपको चूरमा मिल जाएगा। और ये पट्टी कितने की है? 10 रुपए की, जो कि आप सर पे बांध सकते हो। मोर का पंख? ये 50 रुपए का। ये 30 रुपए का। अच्छा, ये जो छोटे वाले 30 के हैं, ये 50 के हैं। और ये फूल? ये 20 रुपए का एक। तो ये जो है आप अंदर चढ़ा सकते हैं मंदिर में। और ये इत्र की शीशी भी मिलती है, ये कितने की है? 20 रुपए की। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी जो है आइटम यहाँ पे मिलती है। तो इस तरह से जो है दर्शन करके, माथा टेक के, और फिर चलेंगे अंदर, देख सकते हो आप। तो तोरण द्वार से जो है हम आगे जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो हम आपको व्यवस्था वगैरह दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से जो है खाटू श्याम जी का चिन्ह जो होता है इस तरह से लेकर जाते हैं। और फागुन का महीना अभी शुरू ही हुआ है, और कितनी ज़्यादा जो है रौनक यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जगह जगह जो है इस तरह से स्टॉल लगने शुरू हो गए हैं, धूपबत्तियाँ बिकनी शुरू हो गई हैं, और भी काफ़ी प्रकार के जो है आइटम है यहाँ पर बिक्री हैं।
और अभी चल रहे हैं आगे की तरफ और दिखाएंगे आपको। इस तरह से यहाँ पर आप टैटू वगैरह भी बनवा सकते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये सारे नाम वगैरह जो भी आप लिखवाना चाहते हैं वो लिखवा सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि खाटू श्याम पधारे, सभी श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, देखिए कितनी रौनक हो रखी है अभी से यहाँ पर। तो जैसे आप एंट्री करेंगे यहाँ पर आपको स्टॉल मिल जाएंगे जिसमें कि आप प्रसाद ले सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और धीरे धीरे नाश्ता भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे, अपनी यात्रा कर रहे हैं पूरी। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ड्रेसेस भी मिल जाएगी काफ़ी सुंदर सुंदर, कृष्ण जी की हैं, छोटे बच्चों के लिए कितनी सुंदर लगेगी ना, राजस्थान कल्चर है ये। दोस्तों ये मंदिर जाने का रास्ता है और आप देख सकते हैं काफ़ी जो है भीड़ लग रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिमाएं खरीद सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो भी चलते हैं आगे, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। ये देखिए ये श्याम कुंड है मेरे ख्याल से, अभी दिखाते हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं श्याम कुंड के, यहाँ पर स्नान करके माना जाता है कि पाप भी जो है धुल जाते हैं। देखिए स्नान करने हैं इस तरह से, जिस तरह से भक्त जो है स्नान कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये कितनी भीड़ हो रखी है, काफ़ी जो है भीड़ हो रखी है, काफ़ी रौनक लगी हुई है। ये है श्याम कुंड, अभी हम आपको दिखा रहे हैं नीचे श्याम कुंड, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप स्नान करके जो है मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको स्नान करना सबसे पहले। दोस्तों ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से आप नीचे आके श्याम कुंड देख सकते हैं। यहाँ पे जो है स्नान करके, पानी इतना ही रहता है, इतने में ही सब स्नान करते हैं क्योंकि ज़्यादा गहरा कर नहीं सकते ना, काफ़ी भक्त आते हैं। तो यहाँ पे आप स्नान करके फिर वापस जा सकते हैं ऊपर, यही रास्ता वापस ऊपर जाने तक का। देखिए यहाँ से भी आ सकते हैं और एक ये रास्ता। तो यहाँ पर हम आपको दर्शन करा दिए श्याम कुंड के, देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत दृश्य है यहाँ पर। फागुन के महीना चल रहा है और यहाँ कितना रश हो रखा है। दोस्तों जो भी आपकी मनोकामना होती है, जो नारियल वगैरह आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, देख रहे हो ना इस तरह से नारियल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से जो है मंदिर का रास्ता है इस यहाँ से। तो अभी दिखाते हैं, हम आपको ले जाते हैं अपना रंगीला राजस्थान, देख सकते हैं लिखा हुआ यहाँ पर, कितना शानदार लग रहा है ना। दोस्तों यहाँ से अभी हमें सीधा जाना है, फिर सीधे जाकर फिर इस तरह से जाना, मतलब बहुत लंबा रास्ता कर दिया, और ये शेल्टर भी बनाए हुए इस तरह से। अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। भाई हम वहाँ से आए थे तो आप समझ सकते हो, इतनी बड़ी रेलिंग इसलिए बनाई गई है कि भाई आने वाले टाइम में पब्लिक इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतना ज़्यादा क्रेज़ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल तो अभी हम दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी जो है धीरे धीरे पब्लिक आने वाली है। फागुन मेला जो है स्टार्ट हो ही गया, आपको पता ही है, फिर हम दर्शन कराएंगे और दिखाते हैं आगे चलते हैं। इस तरह से आप ये गुलाब के फूल दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। दोस्तों यहाँ से अभी हम चलेंगे, एंट्री करेंगे तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। देखिए प्रसाद के लिए यहाँ पर इस तरह से बोलते हैं, प्रसाद लेना तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। जय खाटू श्याम की जय। तो अभी चलते हैं, देखिए कितना सुंदर भव्य रूप से सजाया हुआ खाटू श्याम जी, काफ़ी सुंदर और अद्भुत। तो जो भी भक्त अपने साथ ये खाटू श्याम जी का चिन्ह लेके आते हैं वो यहीं पर ही इसे रखवा देते हैं, देख रहे हो ना आप जिस तरह से। तो काफ़ी जो है मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं इस तरह से, जो है भक्त जो है अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। देखिए काफ़ी जो है पब्लिक आ रखती है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। अभी देखिए यहाँ पर जो है अपने चिन्ह रखवाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे चिन्ह जो है यहाँ पे रख दिए गए हैं और काफ़ी भव्य रूप से जो है सजाया गया इस बारी। तो चलिए अभी अंदर का हम आपको दृश्य दिखाते हैं, काफ़ी सुंदर जो है नज़ारा हमें यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, देख सकते हैं अभी यहाँ से जाना। और कितनी सुंदर डेकोरेशन जो है अभी चल रही है, हो गई है काफ़ी हद तक। और देखिए भीड़ जो है, श्रद्धालु जो है काफ़ी दूर दूर से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ दरबार में इस तरह से जो है ये लगाया हुआ है LED लाइट, TV और आगे भी है जिससे कि भक्त जो है दर्शन कर सकते हैं।
और हम इसी तरह से जो है जा रहे हैं। जय श्री राम, जय 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 बाबा का नाम लेते हुए यहाँ से हम जा रहे हैं। की जय, की जय, की जय। दोस्तों काफी जो है लंबा दर्शन करते हुए हम आ रहे हैं और यहीं पे यहाँ में लिखा हुआ मिल रहा है मेरा सर्वश्रेष्ठ मेरा श्याम। तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं अंदर और दर्शन कराएंगे सामने। काफी सुंदर रूप से जो है फूलों से सजाया हुआ। जय श्री श्याम। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ के बाद आपको देखो लिखा हुआ है फोन वगैरह अलाउ नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं। और जो प्रसाद आप लेके जाएंगे ना फूल वगैरह और इत्र वो आप अपने आप ही ना वहाँ पे चढ़ा दीजिएगा आराम से बिल्कुल प्यार से। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो ना आप, काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आए हुए हैं देख सकते हैं आप। फागुन का मेला शुरू हो गया और आप यहाँ पर आ सकते हैं दर्शन करने के लिए खाटू श्याम जी के। काफी भव्य रूप से जो है सजाया गया है श्री राधा जी। काफी सुंदर रूप से सजाया गया देख सकते हैं आप। श्री श्याम जी के आप दर्शन कर सकते हैं। श्री श्याम जी के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय श्री श्याम। काफी श्रद्धालु जो है दूर दूर से आए हुए हैं देख सकते हैं आप। काफी भव्य दरबार जो है सजाया गया है श्याम जी का, आप देख सकते हैं सारी फूलों से डेकोरेशन करी गई है। काफी सुंदर रूप से जो है इस बारी श्याम जी का जो है दरबार सजाया गया है। जय श्री श्याम भक्तों। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बाकी आपको यहाँ से हम दर्शन करा रहे हैं श्याम जी के, घर बैठे ही आप श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं। और देखिए कितने सुंदर तरह से फूलों से सजाया हुआ है। तो अभी हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री श्याम जी के, जो कि आप सामने देख सकते हैं फूलों से सजाया हुआ है पूरा। काफी भक्त जो है दूर दूर से आए हुए हैं। की जय, हरे के सहारे की जय, तीन धारी की जय, तीस के धारी की जय, तीस के धारी की जय, दरबार की जय, जय श्री राम की जय। सामने जय श्री श्याम भक्तों, हमने आपको दर्शन किए। श्री श्याम देवाय नमः। मेरा काफी सुंदर तरह से जो है इस बारी भव्य रूप से सजाया गया श्री श्याम जी का दरबार। तो इसी तरह से हमने आपको श्याम जी के दर्शन करा दिए। देखिए कितने सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं सजाया हुआ। काफी सुंदर दृश्य है श्री श्याम जी के दरबार हमने आपको दिखा दिया। काफी भव्य रूप से जो है सजाया हुआ इस बारी देख सकते हैं आप। काफी श्रद्धालु जो है दूर दूर से आए हुए हैं। देखिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं श्री श्याम जी के दरबार पे। काफी सुंदर दृश्य हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। श्री श्याम देवाय नमः। और यहाँ से जो है आप जा सकते हैं आगे की तरफ। जय 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 श्री श्याम जी के जो है भव्य रूप हमने आपको यहाँ दिखा दिए। आप
आपको दर्शन करा दिए, काफी अद्भुत दृश्य हमने आपको दिखाया, काफी जो है रश हो रहा है यहाँ पर। फागुन के महीना जो है आपको पता ही शुरू हो रहा है। देखिए कितना सुंदर रूप से जो है, भव्य रूप से जो है दरबार सजाया हुआ था। काफी आनंद आता है यहाँ पर आकर, आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, आपकी मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी सारी। सभी भक्त जो है दर्शन करके आ गए हैं बाहर, तो हमने आपको जो है दर्शन करा दिए श्री श्याम जी के। और यहाँ से जो है एग्जिट किया जाता है, बाहर निकलते हैं सारे। देखिए श्री श्याम जी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर से जो है देख सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, मॉल वगैरह हैं। और भीड़ देखिए, काफ़ी जो है भीड़ हो रखी है यहाँ पे इस समय। फागुन का मेला है तो काफ़ी जो है रश हो रखा है, क्राउड रखा है, यहाँ देख सकते हैं। प्रसाद भी आप यहाँ से जो है खरीद सकते हैं, चढ़ा सकते हैं अंदर। बाकी आपको यहीं से दिखा रहे हैं हम सारा दृश्य। दो रास्ते हैं, एक यहाँ से भी सजाया जा रहा है, आप देख सकते हैं ना। एक तो मैंने उस साइड से दिखा दिया, और अगर आप इस साइड से आते हैं ना निकल के, तो आपको यहाँ से भी दिखेगा। ये देखिए, श्री श्याम देवाय नमः, खाटू मंदिर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो देखिए एक ये रास्ता भी है बाहर आने का। देखिए कितने भव्य रूप से जो है यहाँ पर सजाया हुआ है इस बारी खाटू श्याम जी। तो दोस्तों 150 रुपये में आप धर्मशाला में रुक सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे रूम चाहिए तो 700 रुपये का होगा, जिसमें कि 5-6 बंदे जितने भी आप हो तो आप डिवाइड कर सकते हो 700 रुपये में, आपको यहाँ रूम भी मिल जाता है। अगर हॉल में रुकते हो तो 150 रुपये चार्ज करते हैं। ये धर्मशाला है पीछे खाटू श्याम जी मंदिर के पास में, ये है गड़िया विश्राम भवन धर्मशाला। यहाँ पर आपको 150 रुपये में रूम मिल जाएगा। एक धर्मशाला यहाँ पे भी है सामने, देख रहे हो ना। अगर आपने कोई मनोकामना मांगी हुई है तो यहाँ पर आकर जो है आप नारियल वगैरह चढ़ा सकते हैं, बांध सकते हैं, देख रहे हैं ना। ये देखिए काफी सुंदर सुंदर जो है यहाँ पे सजाने के लिए आपको बैग वगैरह भी हैंडमेड मिल जाएंगे। कोई भी श्याम जी की जो है प्रतिमाएं भी हैं यहाँ पर, जो भी आपको खरीदनी है तो आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, सामने देख रहे हो ना। इसी तरह की जो है प्रतिमाएं देखिए कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये देखिए मात्र 1150 रुपये से शुरू है। और बाकी ये कपड़े वगैरह श्याम जी के, जैसे पोशाक हो गई है, और भी ये सारी जो है चीज़ें जिससे आप सजा सकते हैं। देखिए इस तरह से इनको सजा दिया जाता है, यहाँ से देख सकते हैं ना आप। काफ़ी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं श्याम जी की। दोस्तों श्याम जी की जो है प्रतिमाएं आपको यहाँ पे ढेरों दुकानों में मिल जाएंगी, तो आप कहीं से भी जो है ये प्रतिमाएं ले सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं श्याम जी की, ये कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, बैग वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। लाइटों वाली है ये, देख रहे हैं ना, ये श्याम जी की प्रतिमाएं हैं जो लाइटों वाली हैं, लाइटें जल रही है, देख रहे हो ना आप कितनी सुंदर सुंदर है। दोस्तों बड़े बड़े जो है श्याम जी के चिन्ह जो है देख सकते हैं, लेके जा रहे हैं की जय। काफी सुंदर जो है यहाँ पे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जय तो हमने आपको खाटू श्याम जी के दर्शन करा दिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।